अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू KMKS शेयर। व्यूअर्स, आज जो फेस मास्क शेयर करने जा रही हूँ उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपको घर पर आसानी से अवेलेबल हैं। सारी चीज़ें आपको घर से ही मिल जाएंगी। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल, और उसके बाद हमें चाहिए होगा आधा टमाटर, हाफ टमाटो आपने ले लेना है, और व्हीट फ्लोर यानी कि गंदम का आटा। ये तीनों चीज़ें आपको अपने घर से आसानी से मिल जाएंगी। बस ये फेस मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को स्मूथ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा आपकी स्किन को नरिश करेगा, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इस प्रॉब्लम को भी हल कर देगा और पिगमेंटेशन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। सबसे पहले हमने टमाटर को काट लेना है। टमाटर आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। टमाटर से आपके चेहरे पे निखार आता है और ये एक्ने प्रॉब्लम को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा आपके स्कार्स वगैरह और जो सन टैन हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। टमाटर आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम को हल करता है, स्किन को सॉफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको मैं ब्लेंडर में डाल लूँगी टमाटर को। हमने ब्लेंडर में डाल दिया है और अब मैं एलोवेरा जेल को काट लूँगी। इसका जेल मैंने निकाल लिया है, फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी। एलोवेरा जेल आपको पता है आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके चेहरे पर डलनेस आ रही है तो इसको ख़त्म करता है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को रिंकल फ्री करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश बनाता है, नरिश करता है। बस ये मैंने टमाटर ऐड किया था इसमें, अब इसमें मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल डाली है। ये आप देख सकते हैं फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये मैंने ब्लेंड कर लिया इसको, अब हम इसको बाउल में डालेंगे। ये मिक्सचर हमने बाउल में डाल दिया, मिक्सचर को मैं स्ट्रेन कर लूँगी। तरह से स्ट्रेन कर लेना है। एलोवेरा जेल और टमाटर दोनों को ब्लेंड कर लिया था, अब इनको मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, अब इनको मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। आपने स्ट्रेन कर लेना है स्ट्रेनर की हेल्प से। ये मैंने टमाटर और एलोवेरा जेल को स्ट्रेन कर लिया है। अभी बस अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून व्हीट फ्लोर यानी गंदम का आटा। दो चम्मच मैंने इसमें व्हीट फ्लोर ऐड किया है। इनको अच्छे से मिक्स करना है। बस मैंने गंदम का आटा मिक्स कर लिया है। गंदम व्हीट फ्लोर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इससे हमारी स्किन ग्लो करती है। गंदम का आटा जो है वो साइंस ऑफ एजिंग को हटाता है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, सन बर्न को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपके डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, आपकी स्किन साफ़ होती है, आपका कलर क्लियर होता है। आपकी स्किन को ब्राइट करने में व्हीट फ्लोर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और व्यूअर्स, ये हमारा बहुत अच्छा सा फेस मास्क रेडी हो गया है। अब आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसको अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे और 20 मिनट्स लगा रहने दें। इसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लें नॉर्मल पानी से। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।